क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे नरेश, यहाँ क्या कर रहा है? घर नहीं गया? चल घर चल। भैया गुस्से से नहीं, शांति से काम लीजिए। मेरे दिमाग में कुछ है, मैं आपसे रात को बात करता हूँ। और हाँ, भाभी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए। जी तो करता है कभी इसका गला दबा दे। जी घिन आ रही है मुझे इसे। या मैं जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। होश से काम? साला सब समझेंगे कि मैं ना पूछ सकूं, क्योंकि मेरी औरत को एक लड़की से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। या भाभी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो सारे फसाद की जड़ है ना वो औरती है। सबक तो उसे सिखाना पड़ेगा, जो भी करना है अब उसका करना है। हेलो। हाँ आरती, कुछ नोट्स चाहिए थे। हाँ थोड़ा अर्जेंट है, अभी आता हूँ। मुझमें ऐसी क्या कमी थी तो तूने मेरी भाभी के साथ रासलीला रचाना शुरू कर दी? ज़बान संभाल के बात करो नरेश, मैं विद्या से प्यार करती हूँ। प्यार? तो अब एक औरत औरत से प्यार करेगी तो हम मर्दों का तो कोई काम ही नहीं बचा। हम बाजा बजाएं? एक औरत को प्यार करने का हक सिर्फ एक मर्द का होता है। तूने मेरा प्यार ठुकरा कर मेरी बेइज्जती की। मैं तुझे बताता हूँ कि एक मर्द किस तरह प्यार करता है। दूर रहो हमसे। क्यों रे, मेरी औरत के साथ इश्क लड़ाएगी? दुनिया के सारे लड़के मर गए हैं, जो तुझे अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए एक औरत चाहिए? बोल ना। बहुत ज्यादा गर्मी है तेरे अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी तेरी गर्मी शांत करता हूँ। ए नरेश, हो गया इसका काम तमाम। ना रहेगी भांस ना बजेगी बांसुरी। आरती को सूरज और नरेश ने सिर्फ इसलिए जान से मार दिया क्योंकि आरती और विद्या के बीच एक प्रेम का नया रिश्ता जन्म ले चुका था। जहां सूरज को यह लगने लगा था कि यह रिश्ता उसकी मर्दानगी को चुनौती है, वहीं नरेश आरती से अपना बदला लेना चाहता था। दोस्तों, आज भी हमारे देश में समलैंगिक संबंधों के लिए सहमति और असहमति की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, बातचीत से बड़े मुद्दों का हल निकलता है। इस केस में सूरज अगर अपनी पत्नी विद्या से बात कर लेता और उसे तलाक दे देता तो शायद मासूम आरती की जान बच जाती और यहां तक कि सूरज और नरेश अपराधी बनने से भी बच सकते थे। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।